इंडिया गठबंधन ने जैसी ही गोदी मीडिया के बहिष्कार का ऐलान किया तो पूरा का पूरा गोदी मीडिया तिलमिला उठा। इंडिया गठबंधन ने आधिकारिक रूप से 14 एंकर्स की लिस्ट जारी कर दी है जिनका बॉयकॉट इंडिया की सभी राजनीतिक पार्टियां करेंगी। इनके शो में इंडिया का कोई नेता नहीं जाएगा। जिन 14 एंकर्स का बहिष्कार किया गया है वो अमन चोपड़ा, प्राची पाराशर, रूबिका लियाकत, चित्रा त्रिपाठी, सुधीर चौधरी, अमीश देवगन, अर्णब गोस्वामी, रविका कुमार, आनंद नरसिम्हन, गौरव सावंत, अदिति त्यागी, सुशांत सिन्हा, अशोक श्रीवास्तव, शिव अरोड़ हैं। इंडिया गठबंधन ने इन गोदी पत्रकारों का विरोध किया तो गोदी मीडिया इससे तिलमिला उठा है और सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास निकालने लगा है। गोदी पत्रकार अमन चोपड़ा ने अपनी बेइज्जती पर भड़ास निकालते हुए कहा, वैसे हामिद अंसारी के इंटरव्यू के बाद से ही मैं इस बायकॉट वाले बेंच को गर्व से लेकर चल रहा हूं, लेकिन सवाल पूछना अभी तक नहीं छोड़ा है। बहिष्कार एक पत्रकार के लिए सबसे बड़ा बेंच ऑफ ऑनर होता है, इस सम्मान के लिए धन्यवाद। कभी भी भाजपा सरकार से बेरोजगारी पर सवाल न पूछने वाले अमन चोपड़ा अब अपने बहिष्कार पर विलाप कर रहे हैं। अमन चोपड़ा की खासियत यही है कि वो हमेशा विपक्ष से सवाल पूछते हैं। इसको लेकर एक ट्विटर यूजर ने चोपड़ा को आईना दिखा दिया। बाबा लपेटू नाम के यूजर ने लिखा, सिक्कों की खनक देखकर पाला बदलने वाले नकली पत्रकार, आज जवान शहीदों की शहादत पर कितने पोस्ट किए तूने, और देर रात तक जश्न मनाने वाले भाजपा के मंत्रियों और प्रधानमंत्रियों से कितने सवाल पूछे जम्मू कश्मीर में आतंकी घटना को लेकर। रूबिका लियाकत, ये मैडम वो पत्रकार हैं जो कभी सरकार से बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर सवाल नहीं करती, लेकिन इंडिया गठबंधन ने इनका बहिष्कार किया तो ये सवालों की दुहाई दे रही हैं। रूबिका ने अपनी खीज उतारते हुए लिखा, इसे बैन करना नहीं इसे डरना कहते हैं, इसे पत्रकारों का बहिष्कार नहीं सवालों से भागना कहते हैं, आपको आदत है हां में हां मिलाने वालों की, वो ना कल किया था ना आगे करूंगी। बैन लगाने की हिम्मत उन नेताओं पर लगाइए जो मोहब्बत की दुकान में कूट कूट कर भरी नफरत परोस रहे हैं। सवाल बेलौस थे और आगे भी रहेंगे, लेकिन दोस्तों गोदी मीडिया के इस प्रोपेगेंडे को जनता अब समझ चुकी है। तभी विवेक गुप्ता नाम के एक यूजर ने रूबिका की पोल खोलते हुए लिखा, सवाल पहले सरकार से पूछे जाते हैं बाद में विपक्ष से, आप सरकार की चरण वंदना बंद करके पहले सरकार से सवाल पूछना चालू करो, और हाँ जिसकी सरकार नहीं है वो कैसे डरा सकता है। अमीश देवगन साहब, इनको कौन नहीं जानता, कुछ बदतमीज किस्म के लोग सोशल मीडिया पर इनको गुल्लू कहते हैं, हालांकि इस शब्द से हम बिल्कुल भी सहमत नहीं हैं। देवगन साहब राष्ट्रवाद और धर्म की आड़ में अपनी बेइज्जती को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने अपने सोशल मीडिया पर लिखा, कमिटेड जुडिशरी की बात करने वाले कमिटेड मीडिया चाहते हैं, ये सेना प्रमुख को गंडा कहते हैं, सनातन धर्म को धोखा कहते हैं, और तो और सनातन को समाप्त ही करना चाहते हैं, ये भारत के वोटर को श्राप देते हैं और श्रीराम के पैदा होने का सबूत मांगते हैं, ये सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगते हैं, पर सवालों से भागते हैं। जनता भी ये बात जान गई कि देवगन राष्ट्रवाद और धर्म की आड़ में अपनी बेइज्जती को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। तभी मयंक नाम के ट्विटर यूजर ने अमीश देवगन की सारी चालाकी उतार दी। मयंक ने लिखा, इस लिस्ट के बाकी सारे नाम तुमसे ज्यादा समझदार हैं, थोड़ा भी दिमाग चलता होता तो भाजपा प्रवक्ता या आईटी सेल की तरह धार्मिक भावनाओं वाले ट्वीट करने से पहले सोचते कि कम से कम आज साबित कर दें कि ये लोग झूठे हैं। किसी ने ये मूर्खता नहीं की, लेकिन तुम जी बिजनेस के दिनों वाले घामड़ आज तक हो। पवन जी सही गाली बकते थे तुमको, हाय रे जुवानाइल अमीश। ये सुधीर चौधरी साहब हैं, पत्रकारिता के नाम पर दलाली करते पकड़े गए तो तिहाड़ जेल में काफी दिन बिता चुके थे। इंडिया गठबंधन ने सुधीर चौधरी का भी बहिष्कार किया। देश भर में सुधीर की एक तरफा पत्रकारिता की पोल खुल गई। सुधीर सोशल मीडिया पर अपनी बेइज्जती को बचाने की कोशिश करते रहे। उनका पोस्ट पढ़कर आप भी हंसने लगेंगे। सुधीर ने लिखा है, इंडिया गठबंधन ने उन पत्रकारों की लिस्ट जारी की जिन्होंने चरण चुंबक बनने से इनकार कर दिया, अब इनका बहिष्कार किया जाएगा।
अब देखना यह है कि भारत का मीडिया इसको क्या जवाब देता है। सुधीर ने लिख तो दिया, लेकिन ये तो पब्लिक है, सब जानती है। संदीप सिंह नाम के यूजर ने जवाब देते हुए लिखा, पत्रकारिता जिंदा रहे इसलिए दलालों को बाहर किया गया है। दोस्तों, जब से गोदी मीडिया का बहिष्कार हुआ, तब से देश के लोग ये समझने लगे थे कि शायद अब गोदी मीडिया अपना असली और निष्पक्ष पत्रकारिता करेगा, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी पर सरकार से सवाल पूछेगा। लेकिन गोदी मीडिया पहले की तरह अब भी सिर्फ विपक्ष से ही सवाल पूछ रहा है। आपने कहावत तो जरूर सुनी होगी, कुछ नालायक लड़के होते हैं जिनको कभी बेइज्जती महसूस नहीं होती। उन्हें पता होता है कि बेइज्जती उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत होती है। समाज में ऐसे कई लड़के होते हैं। खैर, सुशांत सिन्हा से इस बात का कोई कनेक्शन नहीं है। अपना बहिष्कार होने के बाद सुशांत सिन्हा ने लिखा, लड़की लड़के से मिली तक नहीं, चैट नहीं करती, कोई रिश्ता नहीं, लेकिन लड़के ने एक तरफा ब्रेकअप का ऐलान करते हुए कह दिया कि मैं अब उससे कभी नहीं मिलूंगा। अरे भाई, मैं तो डिबेट करता भी नहीं, किसी को गेस्ट बुलाता भी नहीं, तो मेरे शो में आने से किसे रोक रहे हो भाई। खैर, देश हित में पत्रकारिता का ये सर्टिफिकेट सहर्ष स्वीकार है। बायकॉट करो, टारगेट करो, कुछ भी करो, देश सब देख रहा है। सुशांत सिन्हा बच रहे थे, वो ये जान चुके हैं कि बहिष्कार के बाद देश के लोगों को भी सच पता लग चुका है। तभी साक्षी नाम की यूजर ने जवाब देते हुए लिखा, तुम भी तो बिना विद्यार्थियों की पाठशाला लगाकर बैठ जाते, पर अपनी पर पड़ी तो बिलबिला गए। चंदन नाम के यूजर लिखते हैं कि अजीत अंजुम जी लिखते हैं, 9 सालों में पीएम मोदी से एक भी सवाल नहीं पूछने वाले एंकर बार बार कह रहे हैं कि हम सवाल पूछ रहे थे इसलिए हमारा बहिष्कार किया गया, मुश्किल सवालों से डर गया विपक्ष। अरे भाई, ये तो बताओ कि मई 2014 से अब तक सत्ता में बैठे मोदी और शाह से कब एक भी सवाल पूछा? सारे सवाल विपक्ष से ही पूछने हैं। मोदी के सामने लोट जाना है, हाथ जोड़कर खड़े हो जाना है। शहादत के दिन मोदी के जश्न पर भी कोई सवाल मोदी से नहीं पूछना है, फिर किस सवाल की बात कर रहे हो? दोस्तों, गोदी मीडिया के इस बहिष्कार पर आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।